Hello students, we are solving exercise 7.1. So let's start from question number 3. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. See, line segment AB. AD and BC. इस लाइन सेगमेंट में इक्वल क्या है? परपेंडिकुलर्स. परपेंडिकुलर्स मींस जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है. शो दैट CD बाइसेक्ट AB. हमें ये दिखाना है कि CD क्या कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर यू सी इन द गिवन फिगर CD इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट O. ओके, नाउ ट्रायंगल CBO and DAO. Here you see this side is equal. Okay, BC equal AD. BC equal AD. Okay, ये हमें given है figure में. Now here you see एंगल सी बी ओ इक्वल एंगल डी ए ओ. सी बी ओ डी ए ओ बोथ आर इन 90 डिग्रीज. ओके, बिकॉज सी बी परपेंडिकुलर ए बी एंड डी ए परपेंडिकुलर ए बी. ये क्या है, हमें गिवन है ना. परपेंडिकुलर से तो परपेंडिकुलर किसके कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. ओके, नाउ एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ डी. बी ओ सी एंड बी ओ सी एंड ए ओ डी बोथ आर इक्वल. वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ हियर यू सी टू एंगल्स एंड वन साइड. ओके, सो ट्रायंगल सी बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए ओ बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. ओके, सो हियर बी ओ इक्वल ए ओ. बी ओ इक्वल ए O, C, P, C, T. ओके, जब ये तीन टू एंगल्स और वन साइड एंगल, वन साइड इक्वल है तो सेकेंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो सी डी बाइसेक्ट ए बी. देयर फॉर दस सी डी बाइसेक्ट ए बी, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है ना, तो ये साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. इट मीन्स ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सी क्वेश्चन नंबर 4. एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू. सी एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस intersected by another pair of lines P and Q. Okay, so that triangle ABC congruent triangle CDA. CDA मतलब ये दोनों जो triangle हैं वो congruent हैं, ये हमें prove करना है. Okay, now here you see L parallel M are intersected by ट्रांसवर्सल AC. अगर हम AC को ऐसे प्रोड्यूस करें तो ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी. ठीक है, सो इन ट्रांसवर्सल यू सी एंगल ACB. यहां आप देखें एंगल A और एंगल C, ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे. ठीक है, सो ACB एंड CAD ये दोनों क्या होंगे, ए सी बी, यहां वाला एंगल दिया गया है ये ए सी बी एंड सी ए डी, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, नाउ पी पैरेलल क्यू. पी क्यू भी पैरेलल है,
तो यहां भी एसी क्या करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ओके, नाउ एंगल बी ए सी इक्वल डी सी ए, मतलब अब ये एंगल लिया गया है, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ए सी बी इक्वल सी ए डी, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल सी ए डी, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी ए सी, सॉरी डी सी ए, डी सी ए एंड ए सी इक्वल ए सी, ये क्या है, ये कॉमन है ए सी और ए सी, है ना, दोनों ट्राइंगल में। और इसको अगर हम देखें तो बाय इक्वेशन वन एंड बाय इक्वेशन टू, ये थे हमारे इक्वेशन वन एंड टू, सी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ओके, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन फोर कंप्लीट, नाउ रेस्ट क्वेश्चंस यू विल ट्राई टू सॉल्व। ओके।